हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हरमन एंड यू आर वॉचिंग ऑल अबाउट ड्रॉइंग फील्ड। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही एक जनरल टॉपिक है। बहुत सारे एनफील्ड यूजर्स के दिमाग में ये टर्म चलती रहती है, वो है डीकम्प्रेसर। अब डीकम्प्रेसर क्या होता है, अगर हम डिटेल में चले जाएं मैकेनिकली या टेक्निकली तो बहुत ज्यादा डिटेल में चले जाएंगे। हर किसी को समझने की बस की बात नहीं है, क्योंकि हर कोई टेक्निकल फील्ड से नहीं है। तो मैं आपको एक ब्रॉड आइडिया दे दूंगा कि वे ये डीकम्प्रेसर जो है वो क्या चीज है और किस लिए यूज होता है। आप लोग अगर चाहते हैं कि इसके ऊपर मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, जिससे कि मैं समझ सकूं कि कितने जानों की क्यूरियोसिटी है ये जानने की। तो मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि डिकम्प्रेसर टर्म का मतलब होता है कि जो कंप्रेशन बन रही है इंजन के अंदर उसको लूज करना है। उसको लूज करने का कारण क्या है, क्योंकि जब इनिशियली हमें स्टार्ट करनी है गाड़ी तो कंप्रेशन जो उसकी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। रेशो की अगर मैं बात करूं, बहुत ज्यादा मैटर को उसने थोड़े में कंप्रेस करना होता है। तो स्टार्ट करने के आपके पास दो ही तरीके हैं, या तो आप किक स्टार्ट करेंगे या फिर आप करेंगे सेल्फ स्टार्ट। अब जो छोटे इंजन है, छोटे स्ट्रोक वाले इंजन है, उनमें तो इनकी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उनमें कंप्रेशन रेशो ही बहुत ज्यादा कम रहती है या फिर स्ट्रोक की लेंथ काफी कम रहती है, जिससे कि साइकिल अपने आप स्टार्ट हो जाता है, या मैं कहूँ कि इंजन का साइकिल जो है वो अपने आप स्टार्ट हो जाता है। मगर इन केस ऑफ बिग इंजन, अगर मैं बात करूँ ऑटो जो चलते हैं, ऑटो रिक्शा चलते हैं, या फिर हमारा रॉयल एनफील्ड की ही बात करें जो अंडरस्क्वेयर इंजन है, तो उनमें हमें इन चीज़ों की जरूरत पड़ती है। इनिशियली मैनुअल डिकम्प्रेसर आता था, जो कि हम हाथ से, आपको पता ही है, रिकॉइल का बटन रहता था हमारे लेफ्ट हैंड साइड क्लच के साथ में, तो हम उसको दबाते थे तो हमारी कंप्रेशन जो है वो लीक हो जाती थी। कई लोगों को वो यूज करना भी नहीं आता था। लोग क्या करते थे, पहले कंप्रेशन जो है वो लूज करके बाद में उसको छोड़कर किक मारते थे। ऐसा करने से कोई भी उसका फायदा नहीं था। एक्चुअल में उसको यूज करने का ये तरीका था कि उसको आधा होल्ड करके आप एक फुल किक दीजिए, आपका जो बाइक है वो आसानी से स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका फायदा क्या है, अब कंप्रेशन जब लीक हो रही है आपकी, उतनी नहीं लीक हो रही है कि इंजन जो है वो स्टार्ट ना हो। इंजन स्टार्ट होने लायक ही आपकी कंप्रेशन जो है वो लीक हो रही है। और उसका जो बेनिफिशियल साइड है वो ये है कि आप किक मारेंगे तो आपका जोर जो है वो कम लगेगा और इंजन भी स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी चीज को कई लोग समझ नहीं पा रहे थे, या कई लोगों को बहुत दिक्कत आ रही थी। इंजन जो है वो बैक में मार देता था, कभी कभी सीरियस इंजरीज हो जाती थी। तो इसी चीज को सोचते हुए रॉयल एनफील्ड ने फिर अपने जो यूसी इंजन में है ऑटो डिकम्प्रेसर को लॉन्च किया था। ऑटो डिकम्प्रेसर भी वैसी ही एक चीज है जो कि काम में आती है, अगर मैं बात करूं आपसे डिकम्प्रेशन के बारे में, मगर वो उसमें जो राइडर की इन्वॉल्वमेंट है वो बिल्कुल ही खत्म कर दी गई है। आपको करना क्या है, आपको सिर्फ चाबी ऑन करनी है और किक मारनी है, बाकी का काम जो है वो अपने आप इंजन के अंदर लगा हुआ ऑटो डिकम्प्रेसर कर लेगा। ऑटो डिकम्प्रेसर अब काम कैसे करता है, उसके अंदर एक लीवर लगा होता है जो कि सेंट्रिफ्यूगल फोर्स के हिसाब से चलता है। कम आरपीएम के ऊपर आपने देखा होगा, जब आरपीएम कम हो जाते हैं तो टिक टिक करके जो है वो हमारा इंजन बंद हो जाता है, क्योंकि कंप्रेशन जो है वो लूज हो जाती है, तब हमें आरपीएम थोड़े से बढ़ाने पड़ते हैं। तो ऑटो डिकम्प्रेशन का यही है कि वो थोड़ी सी कंप्रेशन को लूज कर देता है ताकि इंजन को स्टार्ट करने में आसानी हो। अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर मैं एक पूरी डिटेल्ड वीडियो बनाऊं और आपको इसकी वर्किंग समझाऊं, तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट करके मुझे बताइए कि आप चाहते हैं ऐसी वीडियो, तो मैं बना दूंगा। तो फिलहाल के लिए फ्रेंड्स इतना ही, मैं फिर हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। Yeah.